इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वरना तुम pptunesindia.com पे आ जाना डाउनलोड करने के लिए, और तुम्हें नीचे जाना थोड़ा, उसके बाद तुम ऑनलाइन वॉच भी कर सकते हो उसको, वरना डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, सो थोड़ा सा वेट करो, लोड हो रहा है पेज। सो उसके बाद तुम्हारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम इसको अच्छे से अपने मोबाइल पर देख सकते हो। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो पर। हमारी जरूरत नहीं, इसलिए हम मून पर चले जाते हैं जूस बोन की बुक की तरह। और ये बताओ कि तुम स्पेस में सांस कैसे लोगे? आओ मेरे प्यारे पिजन, स्पेस में कोई नहीं सुन पाएगा तुम्हारी। मैं लकी चार्म को यूज करना समझ गई। वो खुद को चोट पहुँचाने उससे पहले उसे धरती पर ले आते हैं। देखिए लेडी बग और कैट नोआर अपने नए सूट में उड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आलिया, सिसा पेरिस से लाइव, जहाँ हमारे हीरोज मिस्टर पीजन से 51st time मुकाबला कर रहे हैं। वो वाकई में मिराकुलस है ना? यहाँ ठीक है? हाँ ठीक है। और ये फूल तुम्हारे लिए? कैट नोआर, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे लिए फूल लाने के लिए? पता है, जब मैंने तुम्हें रेड रोज दिया तो तुमने कहा कि फ्लावर लैंग्वेज में रेड का मतलब है पैशन, इसलिए नहीं लिया। और फिर मैंने तुम्हें व्हाइट रोज दिया तो तुमने कहा कि व्हाइट मतलब प्योर लव, और इसलिए फूल नहीं लिया। मैं तुम्हें येलो रोज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक किया और येलो का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ये हमारी परफेक्ट फ्रेंडशिप के नाम। कैट नोआर, कहीं येलो रोज का मतलब जेलसी तो नहीं है ना? नहीं, उसके लिए तो ब्लू रोज है, नहीं शायद पर्पल, या कहीं ऑरेंज तो नहीं। तुम्हें मुझे फूल देने की जरूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही मेरे बेस्ट पार्टनर हो कैट नोआर। वैसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। थैंक्स किटी। कितनी अमेजिंग है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं, मुझे खुद को भी फ्लावर देना चाहिए। एड्रियन का एक नया पोस्टर। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कितना परफेक्ट है। मुझे लगा था तुमने एड्रियन के फोटोज कलेक्ट करना बंद कर दिया है। पर इस बार अलग वजह है टिकी, ये तो बस काम के लिए है, ये मेरे फ्यूचर डिजाइन की रिसर्च के लिए है। एड्रियन और मेरा किस्सा खत्म। देखो, मैं बिना होश खोए उसकी खूबसूरत ग्रीन आंखों में देख सकती हूँ। से अमेरिकन जॉर्ज वॉशिंगटन और फ्रेंचमैन मार्की जेलफायर के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। ये ऐसे दो इंसान जिनका मानना था कि आजादी की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। कंग्रेचुलेशन, ये बहुत ही शानदार स्टूडेंट फिल्म थी। और न्यूयॉर्क में फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक के लिए जाने से पहले ही पूरी हो जाएगी। अच्छा है मेरे पेरेंट्स मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे रहे। तुम सभी से ना मिलना मेरे लिए वैकेशन होगा। लेकिन मिस बूजुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो इजाजत दे दी है और आप हमारे साथ आ रही हैं। क्या? मैं अभी डैड से बात करती हूँ। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम लोगों के साथ मैं नहीं आ सकती। ओह नो, पर क्यों? मुझे कुछ बहुत ही जरूरी मेडिकल टेस्ट करने हैं क्योंकि मुझे एक बेबी होने वाला है। हमारे साथ आएंगी मिस बूस्टिए की जगह। नहीं, ये क्या, न्यूयॉर्क में कितना बोरिंग लगेगा, वो हमें कुछ भी नहीं करने देंगी। कोई परेशानी है दोस्त? मेरे डैड मुझे हमेशा की तरह नहीं जाने देंगे। मैं भी पेरिस में रहूंगी, मुझे अपने चैरिटी के कई काम है, पर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। थैंक्स लायला। नहीं, मेरा मतलब नहीं,
हमने फिल्म साथ में बनाई है, सबने मिलकर, इसका मतलब एड्रियन को भी आना ही होगा मेरे साथ, हमारे साथ। एड्रियन हमारा दोस्त है और दोस्त को कभी मायूस नहीं करते। हमारी फिल्म की तरह जब सौफ लाफायत आकर अपने दोस्त सौफ वॉशिंगटन को आजादी पाने में मदद करता है। एड्रियन तुम हमारे सौफ वॉशिंगटन हो, तुम हमारे दोस्त हो और इस दोस्ती के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलूं और उन्हें तुम्हें हमारे साथ भेजने के लिए मनाऊं। थैंक्स मैरिनेट, पर मेरे डैड को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने दोस्त को कभी भी निराश नहीं करूंगी। एड्रियन तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल, मुझे सब भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। मुझे कैसा महसूस होता है उसे ये ना बताकर मैं पागल ही हो गई थी शायद। क्या सच में? कितना सुकून मिल रहा है ये जानकर कि मैं बस उसकी दोस्त हूँ, ना वो लड़की जो उसे बहुत पसंद करती है। अब मैं उसकी ग्रीन आंखों में नहीं खोती हूँ, अब मैं उसका एड्रियन नंबर 4 कोलोन अपने तकिए पर स्प्रे नहीं करती और मैं उसके बेस्ट एड का मोंटाज भी बार बार नहीं देखती। और तुम्हारे पोस्टर कलेक्शन का क्या? वो तो सिर्फ रिसर्च के लिए है। पर तुम्हें यकीन है कि तुम उसके साथ न्यूयॉर्क में एक हफ्ता बिता सकती हो? तुम्हें ये रोमांचिक नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बस दोस्तों की तरह बहुत मजे करेंगे। पर पहले उसके डैड को मनाना होगा। कल रात न्यूयॉर्क म्यूजियम में फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक की शुरुआत हुई एक स्पेशल एग्जीबिशन से। तो रिपोर्टर क्लारा हमें बताइए। सही कहा नारिया, पहली बार और सिर्फ संडे तक म्यूजियम में लाफायत की तलवार भी रखी जाएगी और साथ ही वो ईगल टैलन नेकलेस जो उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन को दिया था। ये कोई मामूली ज्वेल नहीं, ईगल टैलन यकीनन एक खोया हुआ मिराकुलस है। मेरा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार रखो। और इसीलिए हमारी फ्रेंडशिप इतनी स्पेशल है और आपका बेटा मेरा फ्रेंड है, मतलब हमारा फ्रेंड है, इसका मतलब उसे भी हमारे साथ न्यूयॉर्क आना ही होगा। यंग लेडी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक कि मैंने फैसला किया है कि एड्रियन को उसे दोस्तों के साथ जाने दूंगा। सच में? पर हमेशा तो तुमने मुझे कन्विंस कर दिया, तुम मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसने अनजाने में ही आपको अचानक एक मौका दे दिया है। हाँ, उससे यहाँ मेरी गैर मौजूदगी को छिपाने से अच्छा है कि एड्रियन को न्यूयॉर्क जाने दूँ और फिर मैं उस पर नजर भी रख पाऊंगा। कल पूरी क्लास न्यूयॉर्क जा रही है, काश मैं भी उनके साथ जा पाता। मुझे अफसोस है पर खुशी भी है, अब हमें प्रैक्टिस के लिए और वक्त मिलेगा। आज तुम जितनी कमजोरी से खेले उससे तुम्हें हराने का मजा कम हो गया। चलो कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते हैं कगामी। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क एजेंट एक्सप्रेस के साथ। लेकिन बस दोस्तों की तरह। एक बात बताओ मैरिनेट, अगर हम यूएस में होंगे तो पेरिस की रक्षा कौन करेगा? उसका इंतजाम भी हो गया है। ठीक ही। तुम जा रही हो? सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ खास नहीं है किटी कैट, पर मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती कि हमारी सीक्रेट पहचान छुपाए रखनी है। मैं जानता हूँ मैं लेडी, लेकिन अगर पेरिस में कुछ भी हो जाए, कोई अकुमटाइज विलेन, कोई सेंटी मॉन्स्टर, कुछ भी, तो तुम बस इसे क्लिक करना और मैं फौरन यहाँ आ जाऊंगी। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही है। हाँ बिल्कुल, अब तुम आराम से जाओ, मैं पेरिस की हिफाजत कर लूँगा क्योंकि मैं भी तो एक परफेक्ट पार्टनर हूँ, है ना? तुम्हारे भरोसे ही जा रही हूँ, कोई मस्ती मजाक नहीं। ओके हे, क्या मैं हमेशा मजाक करता हूँ? मैं एकदम सीरियस हूँ। क्या मैं न्यूयॉर्क जा सकता हूँ सच में? अपनी दोस्त को थैंक्स कहो, उसने मुझे कन्विंस कर दिया। पर मैंने तो प्लान ही नहीं किया, और फिर मेरी फेंसिंग क्लास का क्या? और चाइनीज नैटली ने तुम्हारे बैग्स पैक कर दिए हैं, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी फ्लाइट आज दोपहर की है। हाँ ओके, जैसा आपको ठीक लगे। जब से जेंटलमैन स्ट्रीट का न्यूयॉर्क एडिशन आया है तब से मैं इसका सपना देख रहा हूँ। ब्लू मार्बल जैक, गोल्ड और मशहूर मॉन्जेरी,
ये लाजवाब अमेरिकन चीज इंतजार कर रहे हैं हमारा। हम नहीं जा सकते प्लाग, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पेरिस पर नजर रखूंगा और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। पर तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हें और आज़ादी चाहिए और किस्मत से तुम्हारे डैड तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं। इंजॉय, तुम न्यूयॉर्क जाओगे अपने दोस्तों के साथ। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा तो वो गुस्सा कैसे होगी। और फिर उसने तुमसे कहा है कि वो सुपर विलन आने पर ही उसे कॉल करना, यहाँ कोई सुपर विलन नजर आ रहे हैं। और हमारे जाने के बाद कुछ हुआ तो? तुम्हारे फोन में अकुमा अलर्ट है ना? ऑफ कोर्स, और कोई अगर इमरजेंसी आ गई तो एस्ट्रो कैट बनकर तुरंत वापस आ सकता हूँ। परफेक्ट, और फिर तुम लेडीबग को बता सकते हो। इस तरह वो डिसअपॉइंट भी नहीं होगी। My love, तुमसे दूर रहना मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा, पर मुझे न्यूयॉर्क में शायद एक ऐसी ज्वेलरी मिली है जिससे मैं लेडीबग और कैट नोआर को हराकर उनसे मिराकुलस ले लूंगा और वो विश करूंगा जिससे तुम वापस मेरे पास आ जाओ। पाएंगे? हम जरूर पहुंचेंगे। मुझे पता है ये ट्रिप तुम्हारे लिए कितनी खास है। तुम एजेंट की वजह से इसे खास कह रहे हो ना? पर ऐसा इसलिए नहीं है कि एजेंट भी होगा, समझे? मेरे लिए जरूरी नहीं है, एजेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि ये एक जरूरी ट्रिप है। पर मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक दोस्त है। देखो मैरिनेट। जानती हूँ इस ट्रिप पे जाने से क्या होगा, तुम्हें लाइफ की क्लैरिटी मिल जाएगी मैरिनेट। थैंक यू लुका। तय किया लेकिन मैं तुम सबके साथ ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं तो फर्स्ट क्लास में बैठूंगी। तुम्हारा सीट नंबर क्या है? बी 32B। हे वाओ, यानी तुम मेरे बाजू में बैठोगी। ऑसम मैरिनेट, जाओ जाकर बैठो अपने फ्रेंड के साथ और दोनों साथ मिलकर फ्लाइट का खूब मजा लेना, क्योंकि फ्लाइट लंबी है। क्यों नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, मेरा मतलब अपने फ्रेंड के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। वो एक फ्रेंड है, सिर्फ एक फ्रेंड, सिर्फ एक फ्रेंड है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी है ना? मैं बस एक मिनट, मैं हेल्प करता हूँ। सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, सीट की वजह से ऐसा होगा। ये गर्म करने वाली सीट है ना? ओह, बहुत ही गर्म है। नहीं, ये रेगुलर सीट है, पर तुम मेरी सीट पर बैठ आ जाओ। बचाओ आलिया, मैं उसके पास नहीं बैठ सकती, मुझे उसकी सिर्फ फ्रेंड बनने के लिए और ट्रेनिंग चाहिए। प्लेन से उतरने में अभी वक्त है, क्योंकि न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी है, ऑफ कोर्स पेरिस के बाद। न्यूयॉर्क मतलब सुंदर सफेद घोड़ों के साथ कैरेज राइड्स, गोद में डॉग्स और किटन, और सेंट्रल पार्क पर ढलते सूरज का नजारा, लिबर्टी आइलैंड जाती हुई। ऐसे है, बेहतर होगा उसे हम प्लेन के सेंटर में बिठाएं। सवाल ही नहीं उठता, हर स्टूडेंट उसे दी गई सीट पर ही बैठेगा। ओह, मिस बूस्टी होती तो जरूर इजाजत दे देती। प्लीज मिस मेंडेलीव, ये प्लेन है, क्लास नहीं। ठीक है, चलो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ मैरिनेट।
तो फिर बाद में मिलते हैं। एक से दस के स्केल पर आप उड़ान के डर को कितना रेट करेंगे? अपनी पसंद का रिलैक्सेशन लेवल चुनिए। आप एक डॉल्फिन है एक शान से सागर में लहरों पर उछलते हुए। हम टेक ऑफ करने वाले हैं, प्लीज अपनी ट्रे ऊपर उठाएं और सीट बेल्ट बांध लें। मेरे डैड ने मुझे सब बता दिया। मैं इस खूबसूरत सनसेट का मजा ले रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे ये नामुमकिन लग रहा था पर तुम्हें यकीन था। किसी और को भरोसा हो ना हो, तुम हमेशा हर बात हर इंसान पर भरोसा करती हो। हाँ कुछ तो है मैरिनेट। कुछ क्या है? हाँ देखो तुम्हारे बाल में। समझ नहीं आता ये दोनों सबसे क्यूट हैं या सबसे ज्यादा शर्मीले। हाँ एड्रियन बहुत प्यारा है पर वो किसी चूजे जैसा है कि अंडे से बाहर निकल ही रहा है। लोगों के इशारे समझने में उसे बहुत मुश्किल होती है। कौन से इशारे? मैरिनेट उसे ठीक से इशारे नहीं कर रही। आई मीन देखो वो अपने हाथों से क्या कर रही है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्या करना है ये समझा रही है। उसके बाद प्लेन जोर से हिला और हर तरफ बस टॉयलेट पेपर था। शायद इस ट्रिप से एड्रियन का शर्मिलापन मिट जाए। हाँ और काश मैरिनेट खुद से ईमानदार हो जाए और अपने फीलिंग्स उसे अच्छे से समझाए। ऑपरेशन न्यूयॉर्क। ऑपरेशन न्यूयॉर्क रिलैक्स होने में मदद करते हैं। आफ्टर ऑल यूनाइटेड स्टेट का मतलब है आजादी। ठीक है तो चलो मेरे कहने का मतलब था मेरे डैड को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। ओह क्यों नहीं, दोस्त आखिर किस लिए होते हैं है ना? एक दूसरे को कस के गले लगाने और कलोन की महक में खो जाने के लिए। ओह नो, ये टेक्नो पायलट है, टेक्नोलॉजी चुराने वाला सुपर विलन। हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। डियर मैरिनेट, यूनाइटेड हीरोज अपनी रक्षा के लिए आ गए हैं। अनकमी वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुराने वाली सुपर हीरो काइनॉइड जिसे मजेस्टिया कहते हैं। इसका मतलब अमेरिकन सुपर
सुपर हीरोज को दिखाने का वक्त आ गया है, फ्रेंच सुपर हीरोज का कमाल। तुम हिरासत में हो, देखो और सीखो। The legendary night owl and sparrow। तुम्हारा सफर यही खत्म। तू ठीक तो है सीधा? घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। यूनाइटेड स्टेट्स में आपका स्वागत है, आपका स्टे एंजॉय करो। अब वक्त हो गया आउल का। सब इतना जल्दी हो गया, मुझे ट्रांसफॉर्म होने या मदद करने का टाइम भी नहीं मिला। अच्छा हुआ अमेरिकन सुपर हीरोज यहाँ थे, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था, मुझे तो पेरिस में होना था ना। रिलैक्स एडियन, लोकल सुपर हीरोज उनकी परेशानी से खुद ही पड़ लेंगे। अब तक पेरिस से कोई खबर नहीं है। ये पूरी सिचुएशन कितनी बोरिंग है। सॉरी, माफ कर देना। हाय, मैं हूँ मैरिनेट और ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त एड्रियन, ये सब दोस्त है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अच्छा, अगर तुम्हें चुपके से टेरेस पर जाना हो तो सीढ़ियाँ बाहर है। ऐसा क्यों किया, हमें दखल नहीं देना था ना। वेल, अगर हमें उन पर नजर रखनी है तो नजर रखने के लिए कुछ तो हो, यही तो तुम चाहती थी ना। क्या वो एक बर्ड है या कोई प्लेन है? नहीं, ये हॉट डॉग जैन है। हॉट डॉग जैन पार्टी मजेदार बनाने आया है, मैं हूँ हीरो पिकनिक टॉर्टेस। अब वैसे तो हमेशा कैचर बॉय और मास्टर जस्टिस के साथ आता है, मैं लगता है आज अकेले ही काम करेगा। अगर उसके मैजिक हॉट डॉग स्ट्राइक करने हैं तो जल्दी करो। सॉरी गाइस, मेरे पास तुम चारों के लिए सिर्फ दो ही हॉट डॉग्स बचे हैं। कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं एक लेंगे, तुम दोनों दूसरा ले लो। दोस्तों के बीच ये तुम कह लो एड्रियन, मेरी तरफ से दोस्ती के नाते। नहीं, तुम खाओ मैरिनेट। अरे बहस छोड़ो, दोनों आधा आधा खा लो ना। आखिरकार बच्चा बड़ा हो रहा है। तुमने सही कहा था, ये वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे नहीं, उन दोनों के साथ मामला इतना आसान नहीं है। हे, तुम गिटार बजाती हो, चलो तुम उनकी मदद करो। तुम्हें ये गाना आता है?
इसी गाने पर हमने क्लोई की बर्थडे पार्टी में डांस किया था। तो हो जाए फ्लावर हो। चांदनी रात में तुम दोनों का डांस करना कितना रोमांटिक था, है ना? हाँ, कितना फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली डांस था। हे, देखो उस टीचर को, देखो वो डीन गेट यानी डोरमैन है। वो किसी भी दरवाजे को टेलीपोर्टिंग पैसेज बना सकते हैं। उस सुपर हीरो को अमेरिका में अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग। मैं उसे लेडी ब्लॉक के लिए कुछ बोलने के लिए कहती हूँ। इन दोनों के साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है? बैड लक है ना, हम दोनों बार बार मिल रहे हैं, मतलब फंस रहे हैं। तुम्हारे जैसा दोस्त तो मैं फंसना पसंद करूँगा। हाँ सही कहा, हम दोस्त हैं। मुझे बताए क्या करना है? अगर उनके बीच कुछ बदलेगा तो तब, जब वो दोनों खुद को किसी डेंजरस सिचुएशन में पाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दो इंसान जब खुद को मुश्किल हालात में पाते हैं तो उनके बीच की फीलिंग अक्सर बहुत मजबूत हो जाती है। हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा वो एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, और उनके पास आखिरी मौका है एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने का। सुनो, तुम्हें क्या करना है, विजिट के दौरान हमें उन्हें लॉकआउट रूम में अकेले भेजना होगा। वो उसी वक्त सुपर विलन सॉलिट्यूड आकर उसे किडनैप करने की धमकी देगा जिसे कोई प्यार नहीं करता। वो एडियन को धमकाएगा और उसे बचाने के लिए नहीं, उसे छोड़ दो, आई लव हिम। ओके, आइडिया स्टूपिड है लेकिन काम करेगा। क्या आइडिया है? अरे क्या कहा, सुपर विलन पर तुम कैसे? भरोसा रखो, उन्हें रूम में भेजो और बाकी सब हम संभाल लेंगे। पहले तो तुमने मुझसे कहा कि लोगों की जिंदगी में दखल मत दो, और अब खुद को देखो। ये ज्यादा मजेदार है सॉफ्ट सी बेबी सिटिंग। इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वरना तुम pptunesindia.com पे आ जाना डाउनलोड करने के लिए। और तुम्हें नीचे जाना थोड़ा, उसके बाद तुम ऑनलाइन वॉच भी कर सकते हो उसको, वरना डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो, लोड हो रहा है पेज। सो उसके बाद तुम्हारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम इसको अच्छे से अपने मोबाइल पर देख सकते हो। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो पे। ये मार्की डी लाफायट की मशहूर तलवार है, और ये वो नेकलेस है जो उसने जॉर्ज वाशिंगटन को दिया था फ्रेंच और अमेरिकन लोगों के बीच के दोस्ती के प्रतीक के रूप में। संभालना, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सेंसिटिव है, कहीं गलती से अलार्म न बज जाए। चलो अगले रूम में चलते हैं जहां हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेंगे। मार्की डी लाफायट 19 साल का था जब उसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था। एकदम नौजवान और लोगों को आकर्षित करने की जबरदस्त काबिलियत थी उसमें। उसने जॉर्ज वाशिंगटन की सेना को बैटल और यॉर्कटाउन जीतने में मदद की। सबको लगा कि लाफायट की काबिलियत की वजह से है। मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ खास था, एक मिरेकुलस। नैटली, तुम पेरिस को संभालो, मैं न्यूयॉर्क को संभालता हूँ। मैं हूँ हॉकमॉथ। तुम्हारे टेक्नोलॉजिकल हथियारों को दुष्ट सुपर हीरोज ने चुरा लिया है। मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा जिससे तुम कोई भी टेक्नोलॉजी चुरा कर क्लोन कर सकोगे और बदला ले सकोगे। उसके बदले में तुम मुझे लाफायट की तलवार ला कर दो। उससे बेहतर है तुम एटॉमिक बॉम्ब ले लो। नहीं, मुझे तलवार चाहिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को दिया 1886 में। गुस्टाव एफेल ने स्टैचू के अंदर का आर्मेचर खुद बनाया था। क्या तुम जल्दी से जाकर लाफायट तलवार की फोटो ले लोगी? मैं भूल गई और मुझे डीन गेट को शूट करना है। क्यों नहीं, असली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बेस में एक हॉलो स्टोन है जहाँ US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक कॉपी रखी गई। दोस्त, मुझे मेरे हेडफोन्स नहीं मिल रहे, तुम उस रूम में जाकर देखो, कहीं वहाँ तो नहीं छूट गए। मैं यहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ। इस हॉलो स्टोन में एक सेफ भी है जिसमें कई आर्टिफैक्ट्स हैं जिन स्टैचू का उद्घाटन करने वाले लोग छोड़ गए थे।
तब से उसे किसी ने खोला नहीं है। तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं तो जरूर जानना चाहूंगा कि उस सेफ के अंदर क्या है। एक्सक्यूज मी सर, पर हॉलो स्टोन की तरफ जाने के लिए आप अपने सुपर पावर को यूज क्यों नहीं करते? सुपर पावर्स को कभी पर्सनल काम के लिए नहीं, सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मैं अंदर चला भी गया तो सेफ को खोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी चाबी पेरिस में है, आईफिल टावर के अंदर। एड्रियन मैरिनेट, क्या हो रहा है? ये अजीब है। अकूमा टाइज विलन रोबोस्टस पेरिस में गड़बड़ी फैला रहा है और अभी तक लेडी बग और कैटवार का कोई पता नहीं। रोबोस्टस, ये वार्क ऑफ पेरिस में अकूमाटाइज नहीं हो सकता, वो यही न्यूयॉर्क में है। वो क्या कर रहे हैं? पता नहीं, उनके स्ट्रेस लेवल इतने हाई है कि फेज टू शुरू करना होगा। ओके, गो। मैं हूँ सॉलिट्यूड और मैं यहाँ उन्हें लेने आया हूँ जिन्हें कोई प्यार नहीं करता। ज्यादा ताकतवर है, पूरी तरह से समझ नहीं पा रही, मानो मैजिक पर स्कैनिंग टूल्स पर रुकावट डाल रहा है। hey, मुझे लगा तुम्हें नई टेक्नोलॉजी का शौक है। तुम तलवार का क्या करने वाले हो? एंटीना की तरह यूज करोगी? बच्चों के साथ खेलने का वक्त नहीं है। कैटवार को मुझे बताना चाहिए था कि रोबस्टस आ गया है। आई होप वो ठीक हो। अब हम क्या करें मैरिनेट? हमें जल्द से जल्द लेडी बग को चेतावनी देने जाना चाहिए। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। Battle to United Heroes, Enhanced Techno Pilot. इस तरफ बच्चों, ये बड़े लोग संभाल लेंगे। तुम्हारी ताकत मेरी होगी। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। मैरिनेट खतरे में है। ब्लास्ट ब्लास्टर। कहानी है, मैरिनेट कहाँ है? मैंने उसे सेफ जगह पहुँचा दिया, पर तुम पेरिस में क्यों नहीं हो? बाद में समझाऊंगा। नैटली, तुम सेंटी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा दो, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है।
तुम्हें पूरा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। इतनी दूर पेरिस से हमारी मदद करने आए? हाँ, हमने सोचा फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप वीक के मौके पर हम तुम्हारी मदद करके अपनी दोस्ती दिखा दें। देखा तुम्हें, उन्हें कुछ करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। नहीं कहा, वो कभी कुछ नहीं मांगता। नहीं दे पाया, पर तुम्हें पता है हमें भी किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तुम वाकई इस काम से अलग होना चाहते हो? यही मौका है साबित करने का कि हम भी इन दोनों जैसे हैं, बिंदास, भरोसे से जुड़े और सुपर एफिशिएंट। मुझसे कहा आराम से जाओ, पेरिस मैं संभाल लूंगा। हाँ, मुझे नहीं पता था मुझे निकलना पड़ेगा, ये फैसला अचानक करना पड़ा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पेरिस की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है। सबको दिख रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगी। हाँ, तुम सही थे, क्योंकि तुम देख ही रहे हो मैं गुस्से में हूँ। बिंदास, भरोसे से जुड़े और सुपर एफिशिएंट। हाँ, शायद मेरा अंदाजा गलत निकला। सरेंडर टेक्नो पायरेट, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। एक बाइसिकल पंप? वेल, इसका तुम क्या करने वाली हो? मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। भागना क्यों, जब मैं आखिर बदला ले सकता हूँ अमेरिका के सबसे प्यारे हीरोज के प्यारे बच्चे को खत्म करके। मलेरी, तुम्हारा भरोसा टूटने के डर से मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब तो तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती ना। ये लो। अभी के लिए काफी है टेक्नोलॉजी। क्या क्या हुआ? अंदर आओ, तलवार वहीं छोड़ दो। ये तुमने क्या किया? वो सब मेरी गलती है। तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ कर सकती हूँ। ओह अच्छा, अपने मैजिक बाइसिकल पंप से? बिल्कुल। मिरेकुलस लेडीबग। थैंक यू लेडीबग। तुम दोनों खतरनाक हो। नहीं, वो और तुम भी। मेरा कहना नहीं माना, तुम्हें हमें बुलाना था पर नहीं बुलाया। मैं तुम्हें अपने सिविलियन रूप में लौटने का और शक्ति के सोर्स लौटाने का हुक्म देता हूँ। शहर से निकलने से पहले तुम्हें वो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ये सच है हमने गलती की, पर मैंने सब ठीक किया। अगर तुम्हारी शक्ति से कैट नुआर की गलती ठीक होती है तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। पर ऐसी ही ठीक है। क्या होता अगर तुम अनकैनी को ठीक नहीं कर पाते, या अगर वो एक एंड्रॉइड न होता? हम अपना मिराकुलस नहीं दे सकते। वहीं रुक जाओ, ये मेरा हुक्म है। ओके, क्वामी इसको खाना खिला के पेरिस चलते हैं रोबस्टस को ठिकाने लगाने। आज पेरिस पर एक विलन हमला करके अपने आप ही गायब हो गया। लारा कॉन्टार्ट वहाँ मौजूद है। सब हैरान है, लेडीबग और कैट नोवा क्यों नहीं आए, और विलन के किए गए नुकसान को क्या लेडीबग रिपेयर करेगी?
हमने पेरिस लौटने में बहुत वक्त लगा दिया, मैं अब और कुछ नहीं कर सकती। पेरिस लौटते ही तुम लकी चार्म नहीं यूज कर सकती? मेरी पावर मुझे मैजिकल ऑब्जेक्ट ला कर देती है जिससे किसी खास विलन के किए नुकसान को रिपेयर किया जा सकता है, पर ये विलन तो जा चुका है। यानी रिपेयर करने का कोई चांस नहीं है? सब मेरी वजह से हुआ, तुम सही थी हमेशा की तरह। शायद मुझे नाइट आउल को मेरा मिराकुलस दे देना चाहिए, तो मैं बिना बताए पेरिस से आया, सब गड़बड़ कर दी। और अगर अनकैनी रोबोट ना होती तो मुझसे हुआ नुकसान कभी ठीक ना हो पाता। क्लॉस एन, मुझे माफ कर दो दोस्त। ओह नहीं, तुम्हें आजाद करता हूँ। फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं। कैटनोर, अपने पंख फैलाए हुए बहुत वक्त हो गया है ना गिलबर्ट। गिलबर्ट, मिस्टर मार्की, मैं सही था, ज्वेल वाकई में ईगल का मिरेकुलस था। तुम गिलबर्ट नहीं हो? मैं तुम्हारा नया मास्टर। तुम्हारे पहले मास्टर की तरह मुझे भी एक सपना पूरा करना है, और तुम शायद मेरी मदद कर सकते हो। ओह ऐसा है, मैं लिविंग हूँ आजादी की क्वामी। मेरी शक्ति है लोगों को उन चीजों से आजाद करना जो उन्हें उनकी पूरी काबिलियत पर पहुँचने से रोकती है, और कुछ नहीं है। Well, मुझे वही काबिलियत चाहिए लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकुलस छीनने के लिए। एड्रियन अग्रेस्ट, वो यहाँ नहीं है मैम। और न ही मैरिनेट। तुम्हारा एक मिशन था उन स्टूडेंट्स पर नजर रखना। रखी थी, और तभी पता चला मैरिनेट को एडियन से अपने रिलेशन के बारे में उलझन है, और उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए हमने सुपर विलन को तैयार किया। तुमने क्या किया? मैं समझ नहीं पा रही। आप हमेशा कहती है बुराई तब जीत जाती है जब लोग हाथ पर हाथ धरे रहते हैं। मैंने क्या गलत किया? माय डार्लिंग, उनकी मदद के चक्कर में तुमने फ्रेंच स्टूडेंट्स और खुद को खतरे में डाल दिया। भलाई करने का मतलब लड़ाई नहीं होता। हाँ, हम मदद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हमारे पास सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम बेबी सिटर्स हैं, सुपर हीरोज हैं। सुपर हीरोज जिनका मिशन था उन स्टूडेंट्स पर नजर रखना जिसे तुमने नाकाम कर दिया। टेक्नो पायलट की तलाश में तुम हिस्सा नहीं ले सकते, तुम अकेले उड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे अकेले काम नहीं करने दोगे तो कभी नहीं सीख पाऊंगी। लेडीबग और कैट नोआर को विलन से लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और उसी वजह से शायद मैं तुम्हें खो देती। चलो ओलंपिया, हमें बहुत काम है। ये सब मेरी वजह से है, मुझे उसे पेरिस छोड़ने से रोकना चाहिए था। उसने अपना फैसला किया, हम इस पे क्या कर सकते हैं? माइक रोचेप उस टेक्नो पायरेट आजाद घूम रहा है। उसके पकड़ने जाने तक फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन सेरेमनी टाल दी गई है। प्रेसिडेंट होम भी सही है, लोगों का जमा होना खतरनाक हो सकता है। टेक्नो पायरेट आजाद घूम रहा है, तब तक सारे न्यूयॉर्क सिटीजन और फ्रेंच मेहमान आप कहाँ है अपना ख्याल रखें। तब तक हम शहर की निगरानी करेंगे और उसे पकड़ने तक जेल से नहीं बैठेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। इतना सारा गुस्सा, तुम्हें रोकने वाला भला मैं कौन होता हूँ? हाँ? टेक्नोलाइजर, मैं तुम्हारी शक्ति तुम्हें लौटा रहा हूँ, और बोनस में तुम्हारा गुस्सा कम करने और तुम्हारे बदले का अरमान पूरा करने के लिए मैं तुम्हें एक और हथियार देता हूँ। अपनी शक्ति पाने के लिए कहो लेवी विंग्स ऑफ प्रे। मैरिनेट, एड्रियन, जल्दी कार में बैठो, मुझे तुम्हारे दोस्त की बात नहीं माननी चाहिए थी, ये शहर बहुत खतरनाक है। जोड़ नहीं, रुक जाओ, मुझे जाना होगा। I'm sorry मैरिनेट, मुझे यहाँ रोकने के लिए कितना लड़ी। तुम जैसे दोस्त के साथ कुछ देर और यहाँ फंसे रहने में मुझे कोई एतराज नहीं था। डैड सही थे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हो क्या गया मैरिनेट? वो इंतजार कर रहा था कि तुम उसे रुकने के लिए कहो। क्या? पर
उसने फैसला कर लिया था। तुम क्या चाहती थी, मैं क्या करती? मैं क्या चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रियन तुम्हारा क्या है, एक दोस्त या दोस्त से बढ़कर? खुद से ईमानदार होने का यही अच्छा मौका है मैरिनेट। तुम क्या चाहती हो, वो चला जाए या यही रुक जाए? एड्रियन रुको, मैं तो आर को तो खो ही चुकी हूँ, एड्रियन को नहीं खो सकती। मैंने हार मान ली। फ्रेंच अमेरिकन फ्रेंडशिप सेरेमनी होने से रोकना मैंने कभी नहीं चाहा। अगर दूसरों की आजादी के लिए मुझे अपनी आजादी कुर्बान करनी पड़े तो ठीक है, गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो मुझे। मैं जाती हूँ, उसकी शक्ति कितनी भी हो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझसे डरो माँ, मैं आजादी के सिवा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं चाहता। आजाद हो जाओ। तुम अपनी ही शक्ति से डरती हो, मैंने तुम्हें तुम्हारे डर से आजाद किया। वो सब जो मैंने करने की हिम्मत नहीं की। बहुत आसान। नहीं डाउन, अपने ईमान की वजह से तुम चाहकर भी तेज इंसाफ नहीं कर पाते हो। मैं तुम्हें इस वजह से आजाद करता हूँ। जो लोग बिल्कुल रहम नहीं करते उनसे ज्यादा रहम मैं क्यों करूँ? तुम्हें पास करना नहीं आता हाँ? विक्ट्री, तुमने कसम खाई थी कि तुम उम्र भर लोगों की आजादी की रक्षा करोगी। मैं तुम्हें उस कसम से आजाद करता हूँ। आजाद दुनिया का लीडर अब पता चलेगा। मेरा हुक्म मानो, अब आजादी खत्म। डोर मैन, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए खुद का फायदा भूल जाते हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं हमेशा से वेटिकन सीक्रेट आर्काइव देखना चाहता था। नहीं, उससे बेहतर क्वीन ऑफ इंग्लैंड का मैं जरूर। शाबाश मिराकल नाइट, मुझे कनेक्ट करो। लेडी बग, कैट नोआर, मैं भी न्यूयॉर्क में हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मजाक किरकिरा ना हो तो चुपचाप अपने मिराकल्स मेरे हवाले कर दो। हमें जाना चाहिए, लेकिन हमें हुक्म मिला है नहीं हिलने का, याद है? हाँ, मेरी मॉम ने कहा है कि इंसान होने के नाते जरूरत पड़ने पर रूल्स भी तोड़ सकते हैं। चलो चले। अब हम ही बचे हैं, नाकामयाब हुए तो? गलत, लेडी बग और कैट नोआर भी यही है। क्या कह रही हो, तुम्हें तो परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया था। हमारा पाला ऐसे सुपर विलन से पड़ा है जिसकी शक्ति अकोमोडाइजेशन से कई गुना बढ़ गई है। उनके बिना हम नहीं जीत सकते। पर वो तो सिर्फ बच्चे हैं। बच्चे हम भी हैं। ओके, एक बात कहूँ, हमें खुद को एक मौका देना होगा क्योंकि हम खुद ही आखिरी मौका है। स्टैटिस्टिकली ये सही है। पर हम लेडी बग और कैट नोआर को कैसे ढूंढेंगे? खुद से कोई भी अपनी पहचान छुपा नहीं सकता। ओके, एक तरफ हूँ मैं, मेरी बेसिक ट्रेनिंग और जीरो हथियार, और दूसरी तरफ पगलाए हुए सुपर शक्तिशाली हीरोज की सेना। तो बराबर का लग रहा है। तुमने कैंस रिसाइकल नहीं किए और लाइब्रेरी बुक नहीं लौट आई, तुम दोनों जेल जाओगे। आपने हमें ऐसे नहीं किया था सर। मैंने तुम्हें होटल में रहने को कहा था। लीडर्स की इज्जत करो। मैरिनेट जुपिन चाय, न्यूयॉर्क को लेडी बग की जरूरत है। आई एम सॉरी, मैं मदद नहीं कर सकती, मैं उसे नहीं जानती। तुम्हारी सूट का क्वांटम मास इंसानों को उलझाता होगा लेडी बग, पर मैं इंसान नहीं हूँ। क्या? मेरा क्लोनाइजर दरअसल एक अक्रमिटाइज टेक्नो पायलट है। इसका मतलब हॉक मॉट भी न्यूयॉर्क में है। हर मुश्किल दूर करने वाली लड़की के बिना उसे नहीं हरा सकते। पता नहीं है मैं कैसे करूंगी, कैटनोर के बिना लेडी बग बनने की सोच भी नहीं सकती। वो मैं देख लूंगी। Thank you.
लेडीबग को तुम्हारी जरूरत है। मैं अब कैट नोवर नहीं रहा। गलती इंसानों से ही होती है। मेरी गलती माफी के लायक नहीं। मैं उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट नहीं देख सकता। पता नहीं है मैं कैसे करूंगी। कैट नोवर के बिना लेडीबग बनने की सोच भी नहीं सकती। जाओ अपनी लेडी के पास जाओ। दोबारा मिलके अच्छा लगा फ्लैग। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। किससे बात कर रहे हो? मेरा क्वामी। टेक्नोलॉजी क्वामी को डिटेक्ट नहीं कर सकती। मतलब तुम्हारी रोबो दोस्त मुझे देख या सुन नहीं सकती। दे 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 दे। बे 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 बे। हमारे पास वक्त नहीं है। स्पीड पर लैग होने से पहले वापस आना होगा। फ्लैग क्लोज जिस ऑब्जेक्ट में है हमें उसे तोड़ना होगा। उसके हैंडकफ्स में होगा। उसने म्यूजियम में भी पहने हुए थे। कुछ और भी बदला है। उसने वो नेकलेस पहना था जो लाफायत ने वॉशिंगटन को दिया था। एक मिराकुलस। अब उसका पावर अभी एक समझ में आया। सही सोचा माय लेडी। कभी मेरे साथ ऐसा मत करना। I'm sorry, तुम मायूस हो जाओगी। इस डर से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं कितना स्टूपिड था। Miraculizer, अगला कदम उठाने का वक्त आ गया। आओ ये तुझे दो। लेडीबग, कैट नोवर, तुम्हारी वजह से अगर ये रॉकेट उड़ा तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। रोकना चाहो तो मुझे अपने मिरेकल्स दे दो। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। सबसे पहले हमें मिरेकलनाइजर का मिरेकल्स लेना होगा। उससे हम जादू तोड़कर बड़े हीरोज को आजाद कर देंगे और फिर वो जरूर इसे जी अकोमेटाइज कर देंगे। पर हम उसके पास भी नहीं पहुंच सकते। लेडी बग के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। लकी चार्ज। तो हमें सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो को एक ही जेल से हराना है। मजा आएगा। बस इसे इस्तेमाल करने का तरीका समझना होगा। 4 minutes 35, 4 minutes 34। अंकियानी, मुझे बता सकती हो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसे बना था? देखो, हाथ के अंदर एक सीढ़ी है जो टॉर्च प्लेटफॉर्म तक जाती है। ऑसम, पर हम अंदर कैसे जाएंगे जब सुपर हीरोज की सेना हम पर हमला कर रही होगी? डोरमैन। अपने टेलीपोर्टेशन शक्ति की बदौलत डोरमैन हमें चोरी छिपे स्टैचू के अंदर ले जाएगा। पर डोरमैन को सीखने के लिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी मदद के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। उनकी उत्सुकता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। पैरो, एक कार्डबोर्ड बॉक्स और न्यूज पेपर लेकर एक गिफ्ट बॉक्स बनाओ जल्दी। अनकैनी। डियर सर, म्यूजियम में हमें सब दिखाने के बदले हम एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। उम्मीद है आपको सरप्राइज पसंद आएगा। हम आपसे लिबर्टी आइलैंड पर मिलेंगे। गुड लक। बच्चे, हमें पता है आपको चाबियां कितनी लुभावी हैं। शायद आपको ये पसंद आए। साइन जेस और एओन। अरे हाँ, मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए था। ये रही वो चाबी जिस स्टैचू के अंदर छिपा हुआ सेफ खुलता है। नहीं, कम से कम देखने दो सेफ के अंदर क्या है। कुछ ही सेकंड बाकी है। मैं देखती हूँ।
हेलो नन्ही बर्ड, तुम्हें बस इतना कहना है लिरी विंग्स ऑफ लिबर्टी, लिरी विंग्स ऑफ लिबर्टी। शांत हो जाओ। मैंने उन्हें पहले ही वॉर्न किया था। लेडी बग, कैट नोआर, मिराकुलस मुझे देने का यह आखिरी मौका है। कभी नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिराकुलस लेडीबग। मुझे बताओ क्या हुआ था। रख लो, तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी। मैंने फिर हुक्म नहीं माना, यानी मुझे मेरे हथियार वापस नहीं मिलेंगे, है ना? मिराकुलस की पावर है तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गलत था, मेरी नन्ही स्पैरो एक बहादुर ईगल बनने के लिए तैयार। थैंक यू मॉम, मेरा मतलब थैंक यू सर। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इस नए सूट से सब जान जाएंगे कि स्पैरो मेल नहीं फीमेल है, और ये भी कि जाने माने ओरिजिनल नाइट आउल और स्पैरो जा चुके हैं। शायद ये इशारा है, हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाएं। मौका देंगे तभी तो तुम आगे बढ़ सकोगे। उन्हें इंस्पायर करने के लिए शुक्रिया, और तुम्हें गलत समझने के लिए माफ कर दो। मेरी थियरी सही थी, और कई घूम मिराकुलस हैं, और वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, जब भी मेरे पास होंगे। अनकैनी, हमारी सीक्रेट पहचान का क्या? घबराओ मत, अलविदा कहने के बाद मैं इस इन्फॉर्मेशन को अपने मेमोरी से हटा दूंगी। हमें फिर से मिलवाने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे पेरिस में मिलूंगा माय लेडी। मेयर ने पेरिस में रोबस्टस द्वारा की इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वरना तुम pptunesindia.com पे आ जाना डाउनलोड करने के लिए, और तुम्हें नीचे जाना थोड़ा, उसके बाद तुम ऑनलाइन वॉच भी कर सकते हो उसको, वरना डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो, लोड हो रहा है पेज। सो उसके बाद तुम्हारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और तुमको अच्छे से अपने मोबाइल पर देख सकते हो। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो पर।